Hello students, in this English lecture today we will do page number 37 of chapter The Wonder of Grandparents. What is the question? The author says grandparents bring warmth and affection to family life. On the basis of your reading of the passage, list at least 6 ways in which grandparents bring joy to the family. आपने 6 वेज बताने हैं जो आपने चैप्टर में पढ़े हैं कि किस तरह से ग्रैंड पेरेंट्स फैमिली के लिए खुशियां लेकर आते हैं. फर्स्ट वन इज़ गिवन, दे आर चीयर लीडर्स. वो चीयर लीडर्स हैं, मतलब कि उनको वो हेड हैं फैमिली के जो खुशियां लेकर आते हैं. नेक्स्ट, दे डेवलप अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अनकंडीशनल लव. सिक्योरिटी एंड अनकंडीशनल लव, सुरक्षा प्रदान करते हैं और बिना किसी शर्त का प्रेम सब फैमिली मेम्बर से करते हैं. फॉर एडल्ट कंपेनियनशिप, जो घर के बड़े हैं बच्चे हैं उनको वो कंपनी देते हैं. दे हेल्प टू स्टेबलाइज फैमिली, परिवार को स्थिर रखने में हेल्प करते हैं. दे डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में सहजता लाते हैं ताकि जो बच्चे हैं अपनी लाइफ को ईजीली जी सकें और उनमें एक मधुर संबंध स्थापित करते हैं. दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा अटेंशन, सबको एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं. एक्स्ट्रा अटेंशन मतलब किसी का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना. दे प्रोवाइड अ होल सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, बताते हैं इंसानियत के बारे में बताते हैं परिवार के सब लोगों को. तो इस तरह से ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका एक बहुत ही वाइटल रोल है फैमिली में. उसके नीचे है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब ये अपने स्टेटमेंट्स कंप्लीट करनी है किसके अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग. The grandparent-grandchild relationship is the second important emotional relationship, the most important emotional relationship being warmth and affection in family life. क्या करते हैं? Second important emotional relationship है, मतलब कि parents के बाद grandparents आते हैं, इसलिए उनको second बोला है. और ये जो पारिवारिक जीवन है उसमें स्नेह प्यार का वातावरण क्रिएट करते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं. लिस्ट टू एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द पैसेज दैट टेल दैट पेरेंट्स आल्सो प्रोवाइड नॉलेज टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन. जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ग्रैंड चिल्ड्रन को भी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. कैसे? दो पॉइंट लिखने हैं, आप कोई भी दो पॉइंट लिख सकते हैं चैप्टर में से देख के. दे कैन टेल चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, दे आर एक्टिव इंटेलिजेंट विद अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज. टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं और जो उनको जानकारी होती है जिस भी विषय के बारे में, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में, जिस भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, वो सारी क्या करते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन से शेयर करते हैं, उनको बताते हैं. मॉडर्न चिल्ड्रन नीड द कंपेनियनशिप ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स मोर देन एवर बिकॉज ऑफ देयर हैक्टिक शेड्यूल. जो आज के बच्चे हैं उनका जो बिजी शेड्यूल है उसमें उन्हें क्या चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स की कंपेनियनशिप चाहिए. नेक्स्ट इज, इट इज़ गुड for the children to observe the elderly people living actively because they don't fear the aging process but learn how to age gracefully. इसमें क्या बताया गया है कि जो बच्चे हैं उनको ये नहीं देखना कि grandparents बूढ़े हो गए हैं और उन्हें डर लग रहा है अपने बुढ़ापे से, उनको ये देखना है कि वो अपनी एज लाइफ को, जो उनकी वृद्धावस्था है,
जो उनकी लाइफ उनकी एज आगे बढ़ती जा रही है वो उसको कितने ग्रेसफुल ढंग से, कितने आकर्षक ढंग से जी रहे हैं। इंटरेक्शन बिटवीन द एल्डरली पीपल एंड द यंगस्टर्स इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ। व्हाइल द यंगस्टर्स अंडरस्टैंड द एल्डर्स ह्यूमैनिटी, द एल्डर्स गेट टू नो द गुडनेस ऑफ द यंग। यहाँ ह्यूमैनिटी के बाद ये एक ही ब्लैंक है बेटा, दो ब्लैंक नहीं है। ह्यूमैनिटी, द एल्डर्स गेट टू नो द गुडनेस ऑफ द यंग, मतलब कि वो उनको ह्यूमैनिटी के बारे में बताते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, और बच्चों के अंदर जो अच्छाई है उसको वो फाइंड आउट करते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 39। ग्रैंड पेरेंट्स आर चीयर लीडर्स इन लाइफ, बट विद इमर्जिंग सोशलाइजिंग ट्रेंड्स द यंग जनरेशन टेंड्स टू इग्नोर द एल्डरली। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन फोन्स, टैब्स एंड लैपटॉप्स। एज अ ग्रैंड चाइल्ड, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर ग्रैंड पेरेंट्स। आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठने की बजाय अपना ज़्यादातर टाइम किस में स्पेंड करते हैं? मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, टैबलेट में, टीवी में, इन चीज़ों में अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो ग्रैंड चाइल्ड होने के नाते आपके भी दादा दादी होंगे घर में, आप भी किसी के ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, तो आपकी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो आपको क्या करना चाहिए? आप सोच के चार पांच पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे वी शुड ओबे देम, वी शुड हेल्प देम इन एवरी वे, वी शुड रिस्पेक्ट देम, वी शुड स्पेंड टाइम विद देम, वी शुड टॉक टू देम। क्या करना चाहिए? उनकी बात माननी चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, कभी कभी उनके साथ खेल भी लेना चाहिए, आपस में शेयरिंग करनी चाहिए जो आप स्कूल में सीख के आते हैं, आकर उनको बताना चाहिए ताकि उनको ये ना लगे कि उनको इग्नोर किया जा रहा है। सेकंड इज़ हाउ कैन यू फुलफ़िल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफ़िल करेंगे? वी कैन फुलफ़िल आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाय स्पेंडिंग टाइम विद आर ग्रैंड पेरेंट्स। अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर सकते हैं काफ़ी हद तक। अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे तो सब कुछ होगा। फ़ोन में जो नई चीज़ें आपको पता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं पता, आप उन्हें बता सकते हो। उनको अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चों को ज़्यादा नॉलेज है और वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। जो उनके एक्सपीरियंस है वो आप उनसे पूछ सकते हो, उनके पास बैठ के उनको इंजॉय कर सकते हो, उनके पास्ट मोमेंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन द सेम एज द वर्ड्स गिवन इन द क्लूज एंड कम्प्लीट द फॉलोइंग पजल। अब राइट हैंड साइड पे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं और हमें ये क्रॉसवर्ड पजल में वर्ड फ्रेम करने हैं। फर्स्ट नंबर पे है डेलिकेट, वीक, इसका मतलब होता है कमज़ोर, शक्तिहीन, दुर्बल। इसका क्या बनेगा? फ्रेल। ये चैप्टर में वर्ड आए हुए हैं, हमने वही वर्ड लेने हैं जो चैप्टर में आए हुए हैं, FRAIL, फ्रेल। नंबर टू फ्राइटनिंग, मतलब डरना, स्केयर, SCARE, स्केयर। नंबर थ्री व्हाट वी गेट फ्रॉम द पास्ट, हमें विरासत में क्या चीज़ें मिलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेरिटेज, HERITAGE, हेरिटेज, दिस इज नंबर थ्री। नंबर फोर टू लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर मतलब आगे तक, दैट इज क्रेव, CRAVE, क्रेव, इसका मतलब याचना करना भी होता है। नंबर फिफ्थ टू गिव, मतलब देना, BESTOW, बेस्टो, बेस्टो मतलब देना, BESTOW, ये है नंबर फाइव। तो वी हैव डन एक्सरसाइज, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इन्हें ध्यान से रीड कीजिए, समझिए, और अगर आपके दिमाग में कोई और आंसर्स हैं, जैसे ये वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चंस ऊपर आपके आए हैं पेज नंबर 39 में, आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। तो रिवाइज इट प्रॉपरली, टिल देन टेक केयर।